पर लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार दिल्ली के लिए रवाना हुई। वहीं सांसद राम से चुनाव लड़ने के सवाल पर यह कहा, पार्टी जहां से कहेगी चुनाव लड़ेंगी। जबकि महागठबंधन के चुनाव के प्रदर्शन पर यह कहा कि भाजपा और जदयू को सशक्त दिया जाएगा। वहीं सीटों के तालमेल पर कहा कि बातचीत जारी है। देखिए, हमें जो भी आदेश होगा पार्टी का वैसा हम करेंगे। महागठबंधन का कैसा रहेगा जो चुनाव है? सभी बहुत अच्छा रहेगा, दावा कर रही है, बहुत अच्छा रहेगा महागठबंधन के साथ। और हम पूरी तरह से शिकस्त दे देंगे यहाँ पर बीजेपी को और जदयू को। क्या सीट फाइनल हो चुका है, कौन लोग कहाँ से लड़ेंगे या आप लोग कितने सीट लड़ेंगे? नहीं, ये तो अभी प्रक्रिया चल रही है। पटना में आम्रपाली वाटिका पंत भवन हड़ताली मोड़ पर हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष व बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री श्री जीतन राम मांझी के द्वारा पार्टी पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक की गई। बैठक में हम के तमाम नेताओं की मौजूदगी दिखी। पार्लियामेंट्री बोर्ड के अध्यक्ष संतोष मांझी ने कहा, आगामी लोकसभा चुनाव के सीटों को लेकर बात की जाएगी, साथ ही साथ उम्मीदवारों पर भी चर्चा होगी, कौन कहां से लड़ने के योग्य है। वहीं सीटों की संख्या को लेकर खुशी जताई। कहा, हमें जितने सीट मिले हैं हम उससे काफी खुश हैं और कल आपको पता लग जाएगा हमको कितनी सीटें मिली हैं। भारतीय जन क्रांति दल ने संवाददाता सम्मेलन कर जानकारी साझा किया कि आगामी लोकसभा चुनाव में 40 सीटों पर हमारे प्रत्याशी मैदान में उतरेंगे, जिसमें 13 प्रत्याशियों की सूची जारी की गई है जो बिहार के जन समस्याओं और विकास के मुद्दों को लेकर विभिन्न जिलों से चुनाव लड़ेंगे। आज की जो घोषणा कर रहे हैं उसमें 13 प्रत्याशी पहली सूची में हम जारी कर रहे हैं। पहली सूची में 13 प्रत्याशियों में 8 प्रत्याशी बिहार से हैं। बिहार में यहाँ 2 प्रत्याशी अभी मेरे साथ हैं, ये पटना साहिब से हैं और ये नवादा से हैं। और इसके अलावा हम लोग जो प्रत्याशी घोषित किए हैं उसमें औरंगाबाद है, जिसमें पहला फेज में ही चुनाव है, सुपौल है, औरंगाबाद है, फिर आपका सुपौल है, नालंदा है, जहानाबाद है, गया है, पटना का दोनों सीट पे हम लोग लड़ रहे हैं। टोटल कितने सीटों पे आप लोग लड़ रहे हैं? बिहार के 40 सीट पे लड़ेंगे। क्या मुख्य उद्देश्य रहेगा, मुख्य एजेंडा क्या रहेगा जनता के बीच जाने का? देखिए, सबसे बड़ा एजेंडा यह है कि बिहार का कहिए तो दुर्भाग्य है, बिहार की श्रम शक्ति से पूरा देश कार्य करता है, लेकिन बिहार के श्रमिक जहां भी जाते हैं, हमारे बच्चे जहां जाते हैं, वहां लोग गाली बकते हैं, उन्हें उपेक्षित किया जाता है। क्या बिहार की सरकारें पिछले 25-30 सालों से जितनी भी सरकारें बनी, क्या उनके पास इतनी भी काबिलियत नहीं थी कि वो 4th ग्रेड का भी नौकरी दे सकें? हमारे बच्चों को सभी जगह जाकर 4th ग्रेड की नौकरी के लिए दूसरे राज्यों में जाते हैं और वहाँ गाली सुनते हैं, मार खाते हैं, बंद पड़े कल कारखाने तो भी बिहार में, जबकि हकीकत क्या है, 8,000 फैक्ट्रियाँ बंद पड़ी हुई हैं। पर्यटन के क्षेत्र में रोजगार के असीम अवसर है, लेकिन यहाँ की सरकार उस पर काम नहीं करना चाहती, क्योंकि कंस्ट्रक्शन में भी काम करेंगे तो कितना क्या मिला किसी को जानकारी भी नहीं होगी। शिक्षा का स्तर, जो बिहार शिक्षा में सर्वोपरि था, विश्वगुरु था, आज बिहार की हालत क्या हो गई है? शिक्षा का स्तर इतना बुरा है, विद्यालयों में शिक्षक शिक्षा की समस्या को लेकर आप इस मुद्दे को? जी जी बिल्कुल, सभी व्यक्तियों के लिए तीन चीज़ इम्पोर्टेंट है, स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार, और तीनों क्षेत्रों में बिहार पिछड़ा है। इसी तीन मुद्दों को लेकर जनता जी अपना परिचय। मैं डॉक्टर राकेश दत्त मिश्रा, भारतीय जन क्रांति दल का राष्ट्रीय महासचिव। महागठबंधन में हिस्से की बात को लेकर पप्पू यादव ने कहा, मुझे महागठबंधन में हिस्सा मिलेगा या नहीं, मुझे ये लालू जी मुझे महागठबंधन में आने देंगे या नहीं, वह मुझे कांग्रेस बताएगी, लेकिन मैं खुद को महागठबंधन का ही हिस्सा मानता हूँ और मुझे देश को बचाना है। महागठबंधन का हिस्सा बनाएगी या नहीं और लालू यादव जी बनाएंगे कि नहीं, वो तो कांग्रेस बताएगी, लेकिन मैं अभी तक जन अधिकार पार्टी महागठबंधन का हिस्सा मैं मानता हूं, इसमें कोई बहस का मुद्दा नहीं। मैंने आपसे पहले भी कहा कि व्यक्तिगत तौर पर मेरे रिश्ते लालू यादव जी से खून का, रोटी का जरूरत होगा, जो बड़ी बड़ी बात आज करते हैं उनके दल में कुछ प्रवक्ता लोग, जो लालू यादव जी को उस जगह पहुंचाने में बड़ी भूमिका रही, जो सबसे ज्यादा गाली दिया नीतीश जी, लालू जी एक हो सकते हैं, जब गठबंधन में मुंगेर सीट का टिकट हो सकता है
मुझे खुशी होगी जब गठबंधन में मुकेश सहनी जी आकर के लीडर हो सकते हैं, कुशवाहा जी 4.5 साल रह करके लीडर हो सकते हैं, तो हम तो लगातार 5 साल कांग्रेस की आइडियोलॉजी के साथ खड़े रहे, तो फिर पप्पू यादव के हिस्सा होने में क्या दिक्कत है। देश हित में, व्यापक हित में जन अधिकार पार्टी उसका हिस्सा होगा। हमारे लिए सीट माने नहीं रखता, हमारे लिए संख्या माने नहीं रखता। हम बिहार के किसी भी हिस्से में कहीं भी चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन सवाल यह है कि जब हम सीटिंग एमपी हैं और यह फॉर्मूला है कि सीटिंग एमपी जहां है वहां उनको टिकट दिया जाना चाहिए, तो हम उम्मीद करते हैं कि हमको मधेपुरा सीट महागठबंधन के नेतृत्व में हमें दिया जाएगा। लेटेस्ट खबरों के लिए देखते रहिए MUZ News और ताजा अपडेट पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।